बच्चों कैसे हो। ठीक हो ना? ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम सीडब्ल्यू बुक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमने केशव और केतन का पाठ पढ़ा है और उस पे क्या लिखा है हमने? हाँ, एक ही मात्रा ही लिखी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे आपको क्या करना है? आपको किताब लेनी, टेक्स्ट बुक निकाल ले आप। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है। श्रुता लेखन है। पहले क्या है? श्रुता लेखन। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखने हैं इस पार्ट में से। यहाँ पे शब्द लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल से लिखना है। ठीक है, लिखे अभी मेरे साथ लिखना है। तैयार है आप? पेंसिल लीजिए, हाथ में पेंसिल लेना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। वाक्य पूरे करो। आगे क्या है? वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे क्या है? दूसरा क्या है देखिए? वाक्य पूरे करो। पहला क्या है? के पहला यहाँ पे रिक्त स्थान का के यहाँ दशम हरे का मेला देखने गया। कौन गया दशहरे का मेला देखने? सही केशव। केशव दशहरे का मेला देखने गया। शेर यहाँ पे रिक्त स्थान है। शेर यहाँ पे रहा था। यहाँ क्या आएगा अभी? शेर मटक यानी ना हाथी मटक रहा था।
क्या करना है आपको, सी डब्ल्यू बुक में लिखना है, वाक्य पूरे करो और ये दोनों ही यहाँ पे टेस्ट बुक में लिखना है, ठीक है। आगे के कुछ सवाल जवाब है आपको सी डब्ल्यू बुक में और कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए केशव, केशव कहाँ गया था, केशव कहाँ गया था, तो इसका आंसर है केशव एक शब्द में, यानी दशावधान।
रहा था। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए पढ़िए मेरे साथ, केशव कहाँ गया था। केशव दशहरे का मेला देखने गया था। केशव के साथ मेला देखने कौन गया था, तो आपको सिर्फ केतन इतना ही इतना ही सिर्फ एक शब्द में जवाब यानी इतना ही केतन। तो मेरे साथ पढ़ते समय ऐसा पढ़ते, केशव के साथ मेला देखने केतन गया था। केतन इस पाठ के चित्रों में कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं।
इसका मेल हमें इतना ही बार बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और अगली तासिका में हम जल्दी मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद।